नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। कल जब पटना आए थे उपेंद्र कुशवाहा, किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया था पटना के एयरपोर्ट पर, ये लगातार भारत लाइव टीवी आपको सबसे पहले दिखाता आया है। और उसके बाद जब वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में गए, वहाँ पर कार्यक्रम था, कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद जब वो गरजना शुरू किए, बरसना शुरू किए हैं, क्या कहें, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जितने उनके जो समर्थक थे, उन्होंने वाह 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 करके उनका और मनोबल बढ़ा दिया। साफ साफ उन्होंने ये कह दिया है कि एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने जैसे ही एनडीए का दामन छोड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो फायर मोड में है, और सीधा सीधा ये ऐलान कर दिया है, ये कह दिया अपने भाषण के दौरान कि एनडीए जो है वो काफ़ी उनका पागलपन सर चढ़ के बोल रहा है और उनका खाता भी नहीं खुलेगा। क्या सच में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा? 2019 का चुनाव जब निकट है, सभी पार्टियाँ जो हैं वो सियासी खिचड़ी बना रही हैं, कोई खीर बना रहे हैं, कोई पुलाव बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें जहाँ एक तरफ सीट शेयरिंग का जो मसला है वो उलझा हुआ था, इसी कारण से कुशवाहा को एनडीए से अलग होना पड़ा। एक तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो नेता हैं वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग हो चुका है। अगर हो चुका है तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बता देते हैं। और अब कुशवाहा ने, उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जीरो पर आउट हो जाएगी एनडीए की टीम। क्या कहेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी के कार्यालय से क्या आवाज निकलेगी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, उस आवाज से हम आप रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।